कई सारे ग्रह हैं, सबके अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। कई बार कुछ लोग पागल तक हो जाते हैं, पूरी तरह पागल हो जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बार में थेरेपी लेके ठीक होते हैं, वो अलग बात है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो लोगों को पागल कर देता है लिटरली? देखिए, पागलपन का मुख्य कारण जो होता है, जो एक तो ब्रेन से होता है और एक मन से होता है, तो चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। चंद्रमा जिसके गड़बड़ है, ठीक है, जिसका इमोशन कंट्रोल नहीं होगा, उसका दिमाग भी इधर उधर भागेगा। और नर्वस सिस्टम जो मेन जो अधिपति है बुध है, अगर बुध बहुत गड़बड़ हो गए, चंद्रमा बहुत गड़बड़ हो गए, और इन दोनों पे विशेष रूप से राहु का जब इफेक्ट आता है तो व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। एक तो जन्मजात पागल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं लग्न पे, पंचम भाव पे शनि और राहु का जो है संयुक्त प्रभाव पड़ता है, तो जन्मजात शरीर के फंक्शन को ही डिसऑर्डर कर देता है, मतलब जन्मजात समस्या दे देता है, ठीक है। और एक पागलपन होता है जो बाद में बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है समझ जाता है। वो क्यों? उसमें क्या कारण क्या होता है कि उसका जो है चंद्रमा बहुत वीक हो गए हैं, बुध बहुत वीक हो गए हैं, और ऐसी दशा आई, राहु वगैरह की दशा आ गई, ठीक है, या राहु से पीड़ित ग्रह की दशा आ गई, तो वो क्या करता है कि व्यक्ति के दिमाग को जो है डिसऑर्डर कर देता है, पागल तक भी हो जाता है, पूरा पागल। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पागल। लेकिन ऐसा क्यों बाबू जी, ये आप सही बोले कि बुद्धिमान व्यक्ति भी पागल होता है, तो ऐसा क्यों कि बुध और चंद्रमा अचानक होके क्या उसके कर्म का है, क्यों हुआ है, कुछ गलतियां उससे हुई है? गलतियां नहीं, जैसे पूर्व के जन्म के कारण से हमारा प्रारब्ध बनता है, ठीक है, अगर उसमें प्रारब्ध में हम गड़बड़ किए हैं तो हमको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो होता क्या कि जैसे राहु का दशा आता है तो विटामिन B12 गड़बड़ हो जाता है, जो पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेन का पूरा वही कंट्रोल करता है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, इतना ज्यादा व्यक्ति सोचने लगता है ना कि सोचते सोचते डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। और चंद्रमा में क्या करता है, कोई बहुत इमोशनल हो गया, बहुत इमोशनल हो गया, इमोशन एकदम कंट्रोल में नहीं, तो कल्पना करके पागलपन ला लेता है, ठीक है, एक तो चंचलता से आ गया और एक कल्पना से आ गया, तो उसमें भी पागलपन में भी कई कैटेगरी है, कौन सा ग्रह किस प्रकार का जो है मेंटली डिस्टर्ब करेगा उसका अलग। बचने का उपाय बताइए, मान लीजिए डॉक्टर तो अपना काम कर गए, क्या इसमें अध्यात्म ज्योतिष में भी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस ग्रह का से प्रॉब्लम है, अगर बुध दे रहा है नर्वस सिस्टम के कारण से उसका स्नायु तंत्र कमजोर है, तो उसको जो है बुध ग्रह का जो है जब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, चंद्रमा से है तो नियमित रूप से शिव जी को जो है दूध जल से अभिषेक करना चालू कर देना चाहिए, और राहु से है तो भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना चाहिए और राहु ग्रह का जप करवा लेना चाहिए। अगर ये है तो उससे क्या होता है, वो कंट्रोल हो जाएगा, और साथ में उसके साथ जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ज्ञान मुद्रा विशेष रूप से करने से वो धीरे धीरे उसका जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ठीक हो जाता है।